ओके जी, अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अगेन हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सेम वही वे है, ठीक है। आपने सबसे पहले लोकल होस्ट को चला लेना है, यहाँ से लोकल होस्ट अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। आपने इन दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर लेना है, अगर इनमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, पिज्जा क्या फोल्डर का नेम था? पिज्जा हाँ जी, बोलना नहीं है, याद रखना है। पिज़्ज़ा के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस, एंटर किया है तो हमारे पास हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हमने जाना है इसके डैशबोर्ड में। सो मैंने इसको रिमेंबर मी पासवर्ड किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। तो इसको हम डैशबोर्ड में क्लिक करके डैशबोर्ड में जा रहा हूँ मैं इसके। ये वेबसाइट फ्रंट व्यू है इसका और ये इसका डैशबोर्ड है। अभी आप देखें कि यहाँ पे जो भी जो थीम यूज़ हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई हम यहाँ पर कोई अच्छा आई कैचिंग सा थीम यूज़ करेंगे जो उसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट को करना होता है नीट एंड क्लीन, क्योंकि इसमें जब भी हम वर्डप्रेस को करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो कुछ वो सैम्पल पेजेस सैम्पल पोस्टें देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अपडेट्स 5। ये क्यों लिखा आ रहा है? ये इसलिए लिखा आ रहा है कि मैंने जो वर्जन यूज़ किया था वर्डप्रेस का वो ओल्ड यूज़ किया था, ठीक है। इसलिए इसकी अपडेट्स आई हुई हैं, वो इसलिए बता रहा है। तो आप जब गेट wordpress.org से डायरेक्ट डाउनलोड करोगे लेटेस्ट वर्जन, तो फिर वो आपको ये अपडेट्स नहीं देगा। अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रहा है पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस यूज़ हो रहे होंगे सारे नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। अब ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि दो पेजेस नज़र आ रहे हैं, एक सैम्पल पेज, एक प्राइवेसी पॉलिसी का। मैं इन दोनों को यहाँ से क्लिक करके बल्क एक्शन पे जाके मूव टू ट्रैश कर दूंगा। ट्रैश का पर्पज़ ये होगा कि ये डिलीट नहीं होंगे, अगर आपको इन फ्यूचर इनकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनको रिस्टोर कर सकते हो। या ये किधर शो हो रहे हैं? ट्रैश में शो हो रहे हैं, सही है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड न्यू, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के लिए क्या कर सकते हैं, न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पेजेस यूज़ होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होम पेज होता है, ठीक है। होम पेज जब भी आपने बनाना है इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में जाके फुल विड्थ टेम्पलेट कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी किस्म की साइड बार नहीं आएगी। इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, पब्लिश। अगेन जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक दूसरा पेज क्रिएट करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक करके। अबाउट अस, अबाउट अस के पेज के लिए वो फुल विड्थ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता हम कोई एड्स चला दें, कोई वीडियोस वगैरह साइड बार पे शो करवा दें, सही है जी। हाँ जी, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ जाता है हमें। ओके जी, अबाउट अस का पेज भी हमारे पास, यहाँ पे लिखें अबाउट अस इज नाउ लाइव, ये भी लाइव हो चुका है। अभी हम देखते हैं फिर से एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिधर से हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग को टारगेट करते हैं, ठीक है। क्या पेज का नेम होगा? ब्लॉग, ब्लॉग रखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सर्विसेज का नेम रख लेते हैं, ठीक है। पब्लिश करेंगे इसको अभी। तो हमारे पास ये चार से चार पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। आपने लोगों ने एक पेज खुद क्रिएट कर लेना जिसका नेम है कॉन्टैक्ट अस, ओके। इसको भी फुल विड्थ नहीं, आपकी अपनी चॉइस है ना, अगर आप साइड पे कुछ एड्स वगैरह शो करवाना चाहते हो तो फिर इसको फुल विड्थ नहीं करेंगे, साइड पे विजिट विजिट्स आ जाएंगे। मैं स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समय लग जाएगी, ओके। अभी देखें कि डैशबोर्ड पे जाता हूँ वंस अगेन, तो आपको यहाँ पर कोई भी पेज यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा मेथड था जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को क्रिएट करते हैं और पेजेस को जो एक्स्ट्रा पेजेस ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।